वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और आज इस एपिसोड में हम चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे 8 से लेकर 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज शोन इन फिगर दिस, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमको प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, जो कि क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल को टच करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड से ए इनका सम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ द नेक्स्ट टू साइड ए डी प्लस बी सी। तो थ्योरम 10.2 का हम यूज करेंगे बच्चों। आपको मालूम है जैसे हम एक्सटर्नल पॉइंट सी है तो सी से इस सर्कल पर टेंजेंट ये सी आर और सी क्यू ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, डी से डी एस और डी आर। तो ये वाली थ्योरम का हम यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे, पहले लिख दीजिएगा यूजिंग थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, या आप जानते हैं। तो देखिए हम इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से क्या होगा बच्चों, एपी इक्वल टू एस फर्स्ट हो गया, देन इस पॉइंट से क्या होगा, बीपी इक्वल टू बी क्यू, और देन इससे लिखा हमने डी से डी आर इक्वल टू डी एस, और सी से लिखा सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब ये लिखने का एक सीक्वेंस है। देखिए बच्चों हमको क्या चाहिए, पहले ए बी प्लस सी डी चाहिए। तो ए बी के लिए सबसे पहले क्या आएगा, ए बी बनाने के लिए ए पी आएगा, ओके, और बी पी आएगा। तो देखिए ए से बनने वाला आप क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए एस, फिर बीपी के बी से बनाने वाला बीपी और बी क्यू। तो ये हमने ले लिया, यानी ए बी हमारा बन गया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी तो बन जाएगा। अब बात आती है सी डी की, तो सी डी के लिए क्या चाहिए हमको, एक चाहिए डी आर और डी एस, सी आर और सी क्यू। तो हमको जब ऐड करेंगे तो डी आर और सी आर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, डी से डी आर इक्वल्स टू डी एस और सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे बच्चों। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या क्या पेयरिंग हो रही है, एपी प्लस बीपी, ओके, बस ये लिखने के बाद ये जो डायग्राम में जो पेयरिंग बन रही है वो बना लीजिएगा। ए बी कैसे बन रहा है, एपी प्लस बीपी से इनका पेयरिंग कर लीजिए, उसके बाद डी आर प्लस सी आर कर लीजिए ताकि सी डी बन जाए, और इक्वल टू में आपका ए एस ए डी कब बनेगा, ए एस और डी एस, तो ए एस और इसका ये ले लीजिए डी एस, तो ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहां पर लिख दीजिए इससे क्या बना, ए बी, इससे बना सी डी, इससे ए डी और इससे बी सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन फिगर ये डायग्राम दिया हुआ, क्या बोला हुआ, एक्स वाई एंड एक्स डैस वाई डैस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं इस तरीके से, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और एक और टेंजेंट पास हो रही कहां से, सी से, ये रही ए बी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, वो फर्स्ट टेंजेंट एक्स वाई पर कहां इंटरसेक्ट कर रही, ए पर, और एक्स डेस वाई डेस पर कहां कर रही इंटरसेक्ट, बी पर। प्रूव करना एंगल एक्स ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बीच का बन रही है हमको 90 डिग्री प्रूव करना। तो वही थ्योरम 10.2 का यूज करके हमने उस थ्योरम में एक कॉरोलरी पड़ी हुई थी कि यदि इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हम ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिस साइड और दिस साइड, तो क्या होता था, ये अलाइनमेंट इनके बीच का जो एंगल रहता था वो आपस में इक्वल होता था, और साथ साथ सेंटर के एंगल का भी इक्वल होता था। तो उसी थ्योरम का जो कोरोलरी था, हमने एक एक्सपेंशन किया था उसमें बताया भी था कि इस तरीके से एओ और बीओ क्या हो जाते थे, बाइसेक्टर हो जाते थे। तो बाइसेक्टर हो गया इट मींस ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 = 3, है ना, बाय कोरोलरी ऑफ 10.2 थ्योरम लिख सकते हैं आप, और 2 = 4। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल का सम कितना होता, 180 डिग्री, क्लास 8-7 पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो एंगल एक्स ए सी प्लस एंगल एक्स डैश बी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एक्स ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, 3+1 या 1+3, तो बच्चों ने यहां पर लिख दिया 1+3। इस तरीके से एक्स डैश बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2+4, तो ये लिख दिया। अब देखिए 3 किसके इक्वल था, 1 के, 4 किसके था, 2 के, तो 2 टाइम्स लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना बचेगा, 90, और 1 को हमने क्या माना हुआ है, 1+2, हम अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, तो ए ओ बी में ट्रायंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 1+2 और ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये लगाया हमने थ्योरम, इससे 1+2 का सम दिया था ऑलरेडी 90, AOB एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 कर देंगे तो हमारे पास 90 डिग्री मिल जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सेंटर। हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ए ओ बी और ए पी बी, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। लिखा ना एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो टेंजेंट के बीच का एंगल ये बन रहा है ओके ए पी बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये लाइन सेगमेंट, इनसे ज्वाइन करके ये एंगल बन रहा है। तो एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी को हमको क्या प्रूफ करना है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री ओके। और वैसे हम जानते हैं अपोजिट साइड यदि क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्या होता है 180 होता है, लेकिन हमको सर्कल के थ्योरम का यूज करना है ओके। तो इसको नंबरिंग दे दीजिएगा, ये 1 2 ये 3 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये हम ये यूज करेंगे किसका, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल। तो इन ट्रेंगल एओपी और ट्रेंगल बीओपी में हम कंपेरिजन करें तो क्या क्या आ रहा है, देखिए पी ए इक्वल्स टू पी बी, 10.2 थ्योरम से हो जाएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ओपी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, और साथ में ओ ए रो भी क्या है, रेडियस है। तो ये तीनों ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल हमारे किससे हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय एस 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 से। अब दोनों ट्रेंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपस में ये एंगल इसके इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा हर करेस्पॉन्डिंग की। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 बाय सी बी डी। अब बच्चों आप ये भी जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए या पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो इसका मतलब ये एंगल ए और ये एंगल बी क्या हुए 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का हम यूज करते हैं, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर के जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री ओके। ए ओ बी ऑलरेडी दिया था कितना 90, और पी को क्या लिख सकते हैं हम 1 + 2, और ओ को 3 + 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये देखिए 1 इक्वल टू क्या था 2 और 3 इक्वल टू क्या था 4। तो हमने क्या कर दिया, 2 को ही क्या मान लिया 1 और 4 को ही क्या मान लिया 3। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, ये 360 माइनस 180 किया तो 180। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किसको बोला हुआ पी, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसको बोला हुआ ए ओ बी, और एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी बी, और ओ को ए ओ बी इक्वल टू। तो इस तरीके से हमारे दोनों सम का कितना हो गया 180 डिग्री, हमने प्रूव कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये पैरेललोग्राम है, ये किसी सर्कल को अपने अंदर रखेगा तो ये रोम्बस बनाएगा। तो रोम्बस में हम जानते हैं रोम्बस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए। इट मीन हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए ओके। तो हम ये प्रूफ करेंगे, और पैरेललोग्राम बच्चों ये ए बी सी डी, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल। इट मीन गिवन क्या हो गया, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी ए। अब आपको दिख रहा है ये एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम जैसा दिख रहा है, ये पॉइंट ये टेंजेंट, हम वही थ्योरम का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ए पी इक्वल्स टू ए एस, वही अभी हमने इससे पहले किसी क्वेश्चन में किया था इस तरीके से, ए पी इक्वल्स टू ए एस, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू ओके, देन डी आर इक्वल्स टू डी एस, और सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। फिर हम इनको एड कर देंगे, एड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो उस क्वेश्चन में मिला था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। आप कर लीजिएगा ओके, एड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम इट मीन्स ए बी किसके इक्वल हो गया सी डी के, और बी सी किसके इक्वल हो गया डी ए के। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। देखिए सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी, तो ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी ए या ए डी, तो ट्वाइस ऑफ ए डी हो जाएगा। तो इस तरीके 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी ए बी इक्वल्स टू ए डी हो गया, और ए बी इक्वल्स टू हमारा क्या दिया हुआ था सी डी बी सी डी ए, ये दिया हुआ था ए बी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल था ओके सॉरी ए बी किसके इक्वल था बच्चों, अपोजिट साइड के इक्वल था, पैरेललोग्राम था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने क्या प्रूव कर दिया ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से बी सी इक्वल टू डी ए ओके। तो इस तरीके से ओवरऑल चारों साइड क्या हो जाएंगी, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देन क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेंगल ए बी सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंगल ए बी सी
एक ट्रेंगल इज ड्रॉन टू सरकम स्काई सर्कल, फिर से ट्रेंगल के अंदर एक सर्कल आ गया सरकम स्काई बोला, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का सर्कल है, 4 सेंटीमीटर का, ओके okay? तो ये ओडी ओई और ओ एफ, इसकी रेडियस क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, इंटू विच बीसी सॉरी सच डेट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। किस तरीके से कि जो लाइन सेगमेंट है ये बी डी और डी सी, इसको बी सी डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसके द्वारा, पॉइंट डी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से, किस तरीके से कि ये जो बी डी है 8 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, हमको क्या फाइंड करना, ए बी और ए सी फाइंड करना बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, गिवन क्या क्या दिया है, ओडी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर रेडियस, वही इस तरीके जब भी आपको पॉइंट दिख गए सर्कल के बाहर तो एक्सटर्नल थ्योरम 10 पॉइंट यूज करना। तो वी नो डेट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस, ये हो जाएगा ओके okay? हमको क्या बच्चों ये दिया हुआ ओके okay? हमको ये बी ए सी और ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सी डी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, यानी ये भी 6 ये भी 6 ओके okay? इस लेंथ का इतना पोर्शन तो आ गया, इतना रह गया। अब यहां पर देखें तो ये 8 ये भी 8 थ्योरम 10.2 से, अब कितना बचा ये, तो हमने क्या मान लिया इसको ए इक्वल्स टू ए एफ एक्स, तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ए बी क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स, हमको फाइंड क्या करना है ए बी ए सी, अभी हमने आपको हिंट दिया, अब आगे देखते हैं कैसा किया हुआ। ये देखिए हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्लास 9 पर आपने हीरोज फॉर्मूला से सीखा है, क्या सीखा था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इससे ये निकाल लेंगे। इसी के साथ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा हम ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने, ओ सी ज्वाइन कर देना, ओ बी ज्वाइन कर देना, ओ ए ज्वाइन कर देना ओके। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल एरिया ए ओ बी, ओ बी सी और ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर दिस ट्रायंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया। तो हम क्या करेंगे इससे भी एक एरिया निकालेंगे, फिर दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे इक्वेट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इससे निकालेंगे वो भी किसके इक्वल होगा, जो हमने हीरोज फॉर्मूला से निकाला, तो हम वही मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, तो हीरोज फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि ट्वाइस ऑफ एस, जिसको सेमी पेरीमीटर भी बोला जाता था, ट्वाइस ऑफ एस इक्वल टू क्या होता था ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करती थी ट्रायंगल की तीनों साइड, तो 2s, a को हमने क्या कर लिया ये वाली साइड मान लिया तो कितना हो गया 14, b को हमने ये वाली साइड मान लिया तो हमारा क्या हो गया 6 प्लस एक्स, और c को हमने ये वाली साइड मान लिया तो कितना हो गया 8 प्लस एक्स। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2s, तो s कितना निकला ये आया हमारा 14 प्लस एक्स। देन हमको s माइनस a चाहिए, ए कितना था 14, तो एस में से 14 प्लस एक्स में से माइनस 14 कर दीजिए कितना मिला एक्स, इस तरीके से एस माइनस बी कर दीजिए, एस माइनस सी कर दीजिए, तो ये हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे तीनों चारों ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। हमको क्या मिला बच्चों, अंडर रूट 14 प्लस एक्स, एस की वैल्यू एस माइनस ए एक्स, एस माइनस बी 8, एस माइनस सी 6। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 8 6 जा 48 ओके, और इन ब्रैकेट 14 एक्स, x का मल्टीप्लाई हो गया 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब हमने बात की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जनरल, ये तीन ट्रायंगल के सम के बराबर लिख सकते हैं, कौन कौन सा, ओबीसी ओसीए सॉरी ये रहा ओसीए और एक एओबी। तो अब देखिए हम बात करें ओबीसी की, इसकी तो इसमें एक परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, यानी ये ट्रायंगल पूरा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया बीसी, तो हाफ ऑफ बेस बीसी इनटू हाइट क्या हो गया ओडी। इस तरीके से अब हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो बेस क्या हो जाएगा एसी और हाइट क्या हो जाएगी ओई। देन बात करें ये वाले ट्रायंगल की, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइट क्या हो जाएगी ओएफ, और बच्चों ओडी ओई ओएफ क्या है रेडियस जो कि 4 सेंटीमीटर। अब बीसी कितना था 14, रेडियस 4, देन प्लस इसमें एसी कितना था 6 प्लस एक्स प्लस ओई 4, देन बात करें ए बी कितना था 8 प्लस एक्स और ओ एफ कितना था 4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आप तो कितना आएगा आपका, इतना आएगा 112 प्लस 8x, इसको और आप सिंप्लीफाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 56 प्लस 4x। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट दोनों को हम क्या कर सकते कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, इट मीन्स वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको, हमको ये मिलेगा अंडर रूट 48
इन ब्रैकेट 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, सॉल्व करना आप जैसे करें, हमने इस तरीके से किया हुआ है। स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा, 48 ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये 48 डिवाइड में कर दिया, ये होल स्क्वायर, इसको आप जनरली सॉल्व कर लीजिएगा जैसे भी कर सकते हैं। ये हमने ब्रैकेट एक्सपांशन कर दिया, 56 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 48। अब हमने देखा इनमें सभी में कॉमन क्या आ रहा था, ऊपर 16 कॉमन आ रहा था, 16 कॉमन ले लिया तो बचा 196। यहां पर ये फैक्टर निकाले थे इसको सॉल्व करके, देन यहां से क्या बच रहा था 24, इस तरीके से आपका 28x और यहां से x कैंसिलेशन किया तो आपका टोटल इक्वेशन क्या आ रहा था, आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। फिर आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे, क्या मिली, x माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, x इक्वल टू 7 तो 14 नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगलेक्ट कर देते बच्चों, 7 पॉजिटिव हमने ले ली। अब हमको क्या चाहिए था, साइड ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू, तो ए बी क्या था आपका 8 प्लस x, तो 8 प्लस 7 15, AC 6 प्लस एक्स तो 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ए बी सी डी, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये सर्कल टच होकर जा रहा है, सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इस सेंटर पर कैसे एंगल बनाएंगे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस ये देखिए डी से क्या बनेगा एंगल अपोजिट, ये पोर्शन बन रहा है 7 प्लस 8 वाला, इट मींस आप ये वाला, और बी से ये वाला एंगल, इस तरीके से हम बताते हैं आपको। ये देखिए टू प्रूव हमको क्या करना, ए ओ बी यानी ये वाला पोर्शन इस अपोजिट साइड से, प्लस सी ओ डी इस साइड से ये वाला पोर्शन, 2 प्लस 3 6 प्लस 7 इस साइड से क्या हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, 4 प्लस 5 इस साइड से आपका ये 1 प्लस 8। तो इनका सम क्या करना, अपोजिट अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बोला ना, सप्लीमेंट्री। ओके तो वही 10.2 थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप ए ओ बी ओ आप ये लिख सकते हैं, या फिर आपने ये लिखा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सबसेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आप जानते हैं इस तरीके की थ्योरम थी कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके तो इस पी ए इक्वल टू पी बी होता तो, और हमने क्या प्रूव करा था कि सेंटर में जो एंगल बनते थे यहां पर वो क्या होते थे, आपस में इक्वल होते थे। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, 1 इक्वल टू 2। तो देखिए हम यदि बात करें ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से 10.2 थ्योरम का यूज करके आप क्या बोल सकते हैं, 1 इक्वल टू 2। बी से क्या बोल सकते हैं, 3 इक्वल टू 4। सी से क्या बोल सकते हैं, 5 इक्वल टू 6। और डी से क्या बोल सकते हैं, 7 इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, अपोज ये सेंटर वाले एंगल्स इक्वल कर लिए। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम इसमें, वी नो डेट हम जानते हैं ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगी, ये आप जानते हैं। वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो लिख लीजिए सारे एंगल का सम, तो सारे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या था, 2। ओके 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। तो हमने क्या किया, ये देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए कौन कौन सा लिया हमने, 2 प्लस 3 ये अपोजिट साइड वाला, 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7, 2 प्लस 3, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 4 की जगह क्या लिख सकते थे 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इस तरीके से 5 की जगह क्या लिख सकते थे, एंगल 6, और 8 की जगह क्या लिख सकते थे, एंगल 7। तो हमारे पास क्या बन जाता, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरा पेयर क्या हो सकता था, 2 की जगह 1 लिख देते, ओके, और 3 की जगह 4 कर देते, 4 की जगह 5 कर, 6 की जगह आपका 5 4 कर देते, और 8 की जगह हमारा, सॉरी 7 की जगह 8 कर देते, ये वाले, यानी दो कंडीशन बनती। पहले कंडीशन ट्वाइस ऑफ एंगल, ये लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ये देखिए ए बी के अपोजिट में क्या है, 2 प्लस 3 है यहां दिख रहा है आपको, ओके, और इसके अपोजिट साइड सी डी के अपोजिट क्या है, 7 प्लस 6। तो आप लिख सकते ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। फिर ये दो अपोजिट साइड में देखिए, बी सी में क्या बन रहा, 4 प्लस 5 और ये आपका 1 प्लस 8। तो दूसरा पेयर आप लिख दीजिएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप बच्चों देखिए
ये टू यहां चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड कर देगा तो क्या बनेगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप टू प्लस थ्री को बच्चों क्या बोलेंगे, आप एंगल ए ओ बी, और सिक्स प्लस सेवन को आप क्या बोलेंगे, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए हमारा एक पेयर आ गया ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा पेयर देख लीजिए, इससे भी टू यहां चला जाएगा तो क्या बचेगा 180 डिग्री। तो वन प्लस एट को कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ डी, ओके। इस तरीके से फोर प्लस फाइव का एंगल क्या बन रहा है, बी ओ सी। तो ये हमारा सेकंड भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।